अभी हम क्या देखेंगे, फाइल सेव कैसे करते हैं, समझे ना। अभी तक हमने जो फाइल भी बनाई है, जैसे पेंट की फाइल बनाई थी, वर्ड पैड की फाइल बनाई थी, नोट पैड की फाइल बनाई थी, तो अभी तक फाइल को सेव किया क्या? तो अभी हम क्या देखते हैं कि फाइल को प्रॉपर जगह सेव कैसे करने का। अभी सेव क्यों करने का फाइल को, क्योंकि आज सेव किया फाइल आप दूसरे दिन आके क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप नोटबुक ओपन करो। आ गया, ये देखो मैंने लास्ट लेक्चर लिख के रखा था आपको कि फाइल के कैसे सेव करने का है। तो पहले ये नोटबुक ओपन करो, समझेगा। और हमेशा जब भी फाइल सेव करने जाओगे तो पहले नोटबुक पढ़ने का और बाद में क्लिक करते जाने का, समझ रहे। अभी इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, माई कंप्यूटर, समझे ना। क्या लिखा है इधर, या तो माई कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर। मतलब क्या है, जो भी हम फाइल सेव करते वो सभी फाइल किधर से होती है, माई कंप्यूटर के अंदर से होती है। जितना भी हम बोलते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सब क्या हो गए, माई कंप्यूटर की पार्ट्स हो गए। तो जब भी हम कुछ फाइल सेव करेंगे वो किधर से होती है, माई कंप्यूटर के अंदर, या फिर किसी कंप्यूटर किसी जगह क्या लिखा रहेगा, कंप्यूटर लिखा रहेगा। अभी माई कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स बताए इधर, क्या नाम है पहले का, सी ड्राइव, दूसरा क्या नाम लिखा रहेगा, डी ड्राइव, समझेगा। और भी बहुत सारे पार्टीशन रहेंगे, तो इसमें और क्या कंसिडर किया हमने, माई डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, ये सब किसके पार्टीशन हो गए, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। किसके पार्ट्स हो गए, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, समझेगा। मतलब कंप्यूटर को ही पार्टीशन किया है। तो जैसे एक को क्या बोल दिया नाम, सी ड्राइव, और दूसरे को क्या नाम दिया है, डी ड्राइव, समझ रहे इतना। अभी सी ड्राइव के अंदर क्या बनाया है, इधर एक फोल्डर बनाया है। फोल्डर मतलब क्या, एक हो गया बॉक्स, फोल्डर मतलब क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया। और वैसे दूसरा क्या करने का है, डी ड्राइव के अंदर क्या करोगे, एक फोल्डर बनाने का है, और उसको क्या नाम देने का, आपका सरनेम लिखने का है। और सी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बनाओगे उसको क्या नाम देने का है, आपका खुद का नाम देने का है, समझ रहे। और बाद में क्या बोला है, पेंट की एक फाइल सेव करनी है। कौन सी फाइल सेव करनी है, पेंट ब्रश की। और उस फाइल को नाम क्या देने का है, पेप्सी। और दूसरी कौन सी फाइल सेव करने की है, वर्ड पैड की फाइल सेव करने का, उस फाइल को नाम क्या देने का है, रिज्यूम, समझेगा। लेकिन अभी देखने का कि ये वाली फाइल सेव किधर करने का है, समझे ना। क्या देखते हैं कि ये वाली फाइल को सेव किधर करने का है, तो कैसे आओगे सेव करने के लिए। तो देखो पेप्सी नाम की हमारी फाइल सेव करनी है, लेकिन ये फाइल किधर सेव करोगे, तो फाइल है किधर देखने का, किधर सेव करोगे, तो पहले क्या ओपन करना पड़ेगा आपको, माई कंप्यूटर। जब भी सेव करने के लिए जाओगे या फिर ओपन करने के लिए जाओगे, सबसे पहले क्या ओपन करोगे, माई कंप्यूटर, दिख रहे। अभी माई कंप्यूटर के बाद किधर जाना पड़ेगा, सी ड्राइव या डी ड्राइव, तो हमें फाइल किधर सेव करने का, ये साइड में, तो किधर जाओगे, सी ड्राइव, किस में जाओगे, सी ड्राइव। अभी कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, माई कंप्यूटर सिलेक्ट करो, उसके बाद देखो कीबोर्ड के ऊपर इंटर नाम का एक बटन दिया है, मिला सबको इंटर बटन, वो इंटर बटन प्रेस करने का है, आ गया। उसके बाद क्या ओपन करोगे, सी ड्राइव। अभी सी ड्राइव के बाद क्या ओपन करोगे, अभी देखो ये वाला लिखा है नेम फोल्डर, ये फोल्डर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, फोल्डर को बनाना पड़ेगा, समझे ना। आज के दिन क्या करेंगे हम, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हुए देखेंगे, समझे ना। पहले क्या करेंगे, फोल्डर को बनाने का है, तो फोल्डर किधर बनाने का है, सी ड्राइव के अंदर। और उस फोल्डर को क्या नाम देने का है, आपका खुद का नाम देने का है। वैसे दूसरा फोल्डर किधर बनाने का है, डी ड्राइव के अंदर, और उसको क्या नाम देने का, आपका सरनेम करके नाम देने का है, समझ रहे। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोल्डर बनाएंगे आज। कैसे बनाते हैं फोल्डर, देखो नोटबुक ओपन किया, सबसे पहले क्या बोला है, माई कंप्यूटर, या तो क्या लिखा रहेगा, माई कंप्यूटर लिखा रहेगा, या फिर कंप्यूटर करके लिखा रहेगा, हो गया। अभी माई कंप्यूटर लिख के क्या करोगे, इंटर, हो गया माई कंप्यूटर, दिख रहे अलग अलग पार्टीशन। देखो अभी है ना माई कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा है, पार्टीशन का नाम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव, इतने हमें कंसिडर नहीं करने का है। पहले दिन क्या देखने का, हमें सिर्फ दो ही ड्राइव देखने का, एक सी है और दूसरा डी। तो अभी पहला फोल्डर किस में बनाने का है, देखो इधर सी ड्राइव के अंदर जाने का है, तो सी ड्राइव में कैसे जाओगे, ये दिख रहा है सी ड्राइव। और जब भी कुछ ओपन करना रहेगा
तो क्लिक किधर करोगे, ये बाजू का पिक्चर में क्लिक करने का है, ये नाम लिखा है ना, इस नाम के ऊपर क्लिक नहीं करने का है। तो कैसे करोगे, इधर देखो, इसको सिलेक्ट कर दिया, कौन सा बटन दबाओगे, इंटर, दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर आ गया। देखो अभी तक इधर तक आ गए, हम आ गए सी ड्राइव में। अभी क्या करने का, एक फोल्डर बनाने का है, और फोल्डर को क्या करने का, आपका खुद का नाम देने का है। तो कैसे करोगे, सी ड्राइव में आ गए ना, कैसे पता चलेगा, सी ड्राइव के अंदर ही है हम। अभी सी ड्राइव के आगे कुछ नाम दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब अभी हम किधर है, सी ड्राइव के अंदर। अभी इधर हमें नया फोल्डर बनाने का है, तो नया फोल्डर बनाने के लिए क्या लिखा है, इधर पढ़ो जरा, दिया डायरेक्टली न्यू फोल्डर, या फिर कभी कभी किधर मिलेगा, देखो कोई कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा रहेगा, इधर फाइल करके मेनू रहेगा, समझेगा ना, इधर नहीं मिला तो किधर जाओगे आप, फाइल, फाइल में क्या लेने का है, नया बनाने का, तो नया बनाने के लिए क्या लोगे, न्यू, और न्यू में क्या लोगे, इधर से फोल्डर, समझ रहे इतना। देखो पहले हम किधर से बनाते, इसके अंदर से बनाते, डायरेक्टली किधर गए, न्यू फोल्डर में, सी ड्राइव ओपन करके किधर जाओगे, न्यू फोल्डर आ गया, न्यू फोल्डर देखो इधर। अभी इसका नाम क्या आ रहा है, फिलहाल न्यू फोल्डर करके नाम आ रहा है, बराबर है, तो ये नाम नहीं चाहिए हमें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो कैसे डिलीट करोगे, दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर डिलीट नाम का बटन, उसको ये सिलेक्ट करके क्या कर दिया, डिलीट बटन दबा दिया, चला गया। अभी उसको हमें नाम देने का है, क्या नाम देने का है, इसको खुद का नाम देने का, हमें क्या नाम देने के लिए बोला है, प्रसाद ना, समझेगा। तो देखो ऐसा रहेगा ना, इसको क्या करोगे, इस नाम को डिलीट कर दिया, और क्या नाम लिखोगे आप, इधर दिख रहा है प्रसाद करके नाम, और बाद में क्या करोगे, इसको बाहर क्लिक करो, बोलो ना, अभी तक कर्सर अंदर ब्लिक हो रहा है ना, इसको एक बार बाहर क्लिक करो, देखो हो गया पहला स्टेप, क्या कर दिया हमने, सी ड्राइव के अंदर क्या कर दिया, एक फोल्डर बना दिया, बराबर है। अभी अभी दूसरा फोल्डर किधर बनाने का है, डी ड्राइव के अंदर, और उसको क्या करने का है, नाम देने का, क्या नाम देने का आपको, सरनेम देने का है। तो कैसे करोगे, इसको मिनिमाइज कर दिया, अभी डी ड्राइव में जाने का, तो दिख रहा है क्या इधर डी ड्राइव, तो सबसे पहले किधर आओगे, पहले कंप्यूटर के ऊपर आने का है, समझे ना, सबसे पहले किधर आओगे, कंप्यूटर के ऊपर, दिख रहा है इधर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ऊपर कैसे आओगे, क्या लिखा है, दिख रहा है बैक बटन, समझे ना, पीछे आने रहेगा तो कौन सा बटन दबाओगे, बैक बटन के ऊपर क्लिक करने का है, या तो इधर क्लिक करो, या फिर दिख रहा डायरेक्टली कंप्यूटर। अभी किधर जाने का है, डी के अंदर जाने का है, तो कैसे जाओगे, डी ड्राइव सिलेक्ट करो, लेकिन क्लिक किधर करने के लिए बोला है मैंने, इस नाम के ऊपर क्लिक करोगे क्या, नहीं, किसके ऊपर क्लिक करोगे, ये दिख रहा है बाजू का पिक्चर, उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, कौन सा भी फाइल ओपन करना रहेगा, फोल्डर ओपन करना रहेगा ना, तो कभी भी नाम के ऊपर क्लिक नहीं करने का, बाजू में पिक्चर दिया रहता है, उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, और कौन सा बटन दबाओगे, इंटर, हो गया इतना, बराबर है। अभी इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है, तो हमें नया फोल्डर बनाने का, तो फोल्डर किधर से बनाने के लिए बोला था, एक तो दिख रहा है इधर न्यू फोल्डर, लेकिन अगर इधर नहीं मिला तो किस में जाओगे, फाइल, फाइल में क्या लिखा रहेगा, न्यू, और न्यू में किधर जाओगे, फोल्डर आ गया न्यू फोल्डर करके, लेकिन हमें ये नाम देने का है क्या, नहीं देने का है, तो इसको ये क्या करोगे, डिलीट करो, दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर डिलीट नाम का बटन, उसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया, हो गया फोल्डर डिलीट, बराबर है। अभी हमें किधर क्या करने का, इधर आपका सर नेम लिखने का है, तो क्या लिखोगे, इधर मैंने मोरे करके नाम लिखा, हो गया, और नाम लिखने के बाद क्या बोला था, ये फोल्डर के बाहर क्लिक करो एक बार, हो गया इतना तक, बन गया मेरे दो फोल्डर, एक तो सी ड्राइव में बन गया, दूसरा डी ड्राइव के अंदर बन गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, समझ रहे, आज के दिन क्या करते, हमने सिर्फ दो फोल्डर बना के देखा है, देखो किधर से गए थे, समझ रहे, हमारा इतना तक काम हो गया, एक नेम का फोल्डर बना दिया, दूसरा सर नेम का फोल्डर बना दिया। अभी इसको चाहे तो क्या कर दिया, मैंने मिनिमाइज कर दिया, बराबर है।
वापस मुझे देखना रहेगा फोल्डर तो किधर हो गई, कंप्यूटर या फिर माय कंप्यूटर। उसके बाद दिख रहा है सी ड्राइव, इसको ही इंटर कर दो। दिख रहे थे पसंद नाम का फोल्डर, इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, इंटर। अभी इसके अंदर कुछ है क्या अंदर, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने क्या करके दिया है, फोल्डर बना के रखा है। उसके अंदर कुछ फाइल सेव की क्या, नहीं सेव की। वैसे डी में देखने का, तो डी में कैसे जाओगे, या तो इधर बैक करो या फिर कंप्यूटर के ऊपर जाते। मैंने क्या कर दिया, इस बैक बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। बोलो अभी तक आ गए कि हम सी ड्राइव के डी ड्राइव के अंदर नहीं आए, तो क्या करोगे, और एक बार बैक के ऊपर क्लिक करो। अभी किस में जाने का है, डी ड्राइव, इसको सिलेक्ट करके इंटर। लेकिन क्लिक किधर करोगे, नाम के ऊपर क्लिक नहीं करने का है, इसको ही सिलेक्ट करके इंटर बटन दबा दिया। देखो है फोल्डर, अभी इसके अंदर कुछ है क्या देखने का है, तो इसको भी सिलेक्ट करो, या तो इंटर बटन दबाओ, या फिर दूसरा भी क्या है इधर लिखा है ओपन करके, इसके ऊपर क्लिक किया तो भी चलेगा, या फिर दो बार क्लिक किया तो भी चलेगा। समझे ना, माउस से क्या करने का है, दो बार डबल क्लिक करो। देखो हो गया, अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ है क्या, नहीं है। समझ रहे इतना तक, तो आज क्या करेंगे हम, दो फोल्डर बना के रखेंगे सिर्फ। समझ रहे इतना, अब इसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। करोगे पहला इतना, आज क्या देखोगे, सिर्फ फोल्डर बना के रखने का है। कौन सा, सी ड्राइव में नाम का फोल्डर और डी ड्राइव में सरनेम का फोल्डर बनाने का है। अभी क्या करते हैं, इसको ही करोगे इतना, करो जरा इतना स्टार्ट।